नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त देव कुमार। आप देख रहे हो डीप ब्लॉगर यूट्यूब चैनल। अगर इस चैनल पर आप पहली बार कोई वीडियो देखो तो प्लीज़ इस चैनल को देना सब्सक्राइब और घंटे के आइकन को दबाना प्रेस, जिससे आने वाले ऐसे वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए होंगे कि आज के वीडियो में मैं आपके लिए कौन से एक सेकेंड हैंड बाइक लेके आया हूँ। तो दोस्तों, अगर आप सेकेंड हैंड बाइक लेने की परचेस करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देख कर जाना, तभी आपको हर एक जानकारी समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो दोस्तों, उस बाइक का टोटली अंडर व्यू हम करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, मैं उस बाइक के आपके सिनेमैटिक शॉट आपको दिखाता हूँ। मतलब सिनेमैटिक शॉट का मतलब है कि बाइक का जो मैं आपको बाइक दिखाऊंगा कि कौन सी बाइक है, क्या कंडीशन है, टोटली मैं इस सिनेमैटिक शॉट में आपको दिखाऊंगा। तो आप पहले उस बाइक के सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए, फिर हम उसका टोटली अंडर रिव्यू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आप पहले उस बाइक के कुछ सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कर लीजिए, फिर हम उसका टोटली अंडर रिव्यू करते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, जरूरी जरूरी टॉपिक ही हम कवर करेंगे। तो सिनेमैटिक शॉट इन्जॉय कीजिए। तो दोस्तों, सिनेमैटिक शॉट में मैंने आपको बाइक की हर एक कंडीशन दिखाने की कोशिश की, फिर भी अगर आपको कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लगते हैं उसका टोटली अंडर व्यू। काफ़ी टाइम बाद हम होंडा की एक बाइक लेके आए हैं आपके लिए। तो जैसे कि आप बात करें तो उसके ब्रांड की, तो वह है होंडा के ब्रांड का। जी हाँ दोस्तों, होंडा के ब्रांड का है। और बात करते हैं उसके ईयर की कि कौन सी ईयर का मॉडल है। तो दोस्तों, सन 2014 का मॉडल है। जी हाँ दोस्तों, सन 2014 का मॉडल है। और बात करते हैं उसके किलोमीटर की कि कितने किलोमीटर रन है। तो मात्र 25,000 किलोमीटर, जो कि बिल्कुल जेन्यून है, बिल्कुल ओरिजिनल है। मीटर को रिफ्रेश या रीसेट नहीं किया गया है, जो भी है ओरिजिनल ही है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मीटर को रिफ्रेश या रीसेट किया गया है। और बात करते हैं इसके टायर कंडीशन की, तो टायर कंडीशन बिल्कुल गुड वेल कंडीशन में है। इंजन कंडीशन भी गुड वेल कंडीशन में ही है। ऐसा कुछ भी नहीं कि इंजन कचरा हो गया है, बिल्कुल A1 इंजन कंडीशन है। दोस्तों सॉरी, एक चीज़ मैं कवर करना भूल गया, जो मुझे मॉडल के साथ बतानी चाहिए थी। ये है होंडा की CD110। CD110 है, DX नहीं है, CD110 है, जो कि उससे थोड़ा ऊंचा मॉडल आता है DX के। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसके इंजन कंडीशन बता दी, A1 कंडीशन है। और रजिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो ये RJ06 राजस्थान भीलवाड़ा के जो भाई लोग हैं उनके लिए ये बाइक काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाली है, क्योंकि RTO का कोई लफड़ा नहीं होने वाला है। बाकी राजस्थान में हर एक बंदा इसको चला सकता है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। राजस्थान के हर एक डिस्ट्रिक्ट में चलेगी। आज ही ट्रांसफ़र बिल्कुल ईजीली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आप अगर लेते हो तो आप इसके सेकेंड ओनर होगे, ऐसी कोई बात नहीं है कि थर्ड या फोर्थ ओनर नहीं है, आप इसके सेकेंड ओनर ही होगे। और बात कर लेते हैं अब इसके एक एड्रेस की कि कहाँ के एड्रेस पर है अभी। तो ये जयपुर सिटी का मेन मोटा मोटा एड्रेस, जयपुर सिटी का एड्रेस है। और बात करते हैं RTO रजिस्टरिंग, तो RJ06 राजस्थान भीलवाड़ा में रजिस्टर्ड है। और प्राइस नेगोशिएशन है, जो वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके कॉन्टैक्ट नंबर की। तो अब जिनकी ये बाइक है उन डीलर के कॉन्टैक्ट नंबर साइड में है, जो साइड में इधर नंबर चल रहे हैं वही उनके कॉन्टैक्ट नंबर है। तो आप उनसे बात कीजिएगा, जो भी होगा प्राइस नेगोशिएशन है, जो अभी मैं आगे आपको बताऊँगा। और एक बात मैं आपको बताता हूँ कि हमारे डीलर किसी भी कंडीशन में आपसे एडवांस पेमेंट कभी भी नहीं लेंगे। तो आप सावधानी से किसी को भी पहले एडवांस पेमेंट क्यों नहीं दे, चाहे वो हमारे डीलर होने का वादा ही क्यों ना करें। हमारे डीलर और बाइक ओनर्स किसी भी कंडीशन में आपसे पहले पेमेंट कभी भी नहीं लेंगे। और दोस्तों, अब बात करते हैं उस बाइक की प्राइस की। तो साइड में इधर प्राइज़ है 38,000 रुपये, जो कि बिल्कुल नेगोशिएशन प्राइज है। ऐसा मैं सोचना कि यार 2014 के 38,000 ज़्यादा मांगे, प्राइस नेगोशिएशन है। एक बार डीलर से बात कीजिए बाइक के बारे में, वो होगा जो कर लिया जाएगा। प्राइस फिक्स नहीं है, नेगोशिएशन प्राइस है।
और दोस्तों बाकी जानकारी मैं इस बाइक के बारे में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो एक बार आप डिस्क्रिप्शन भी चेकआउट जरूर कर लेना, वहाँ पर भी आपको इस बाइक से संबंधित कुछ जानकारी मिल जाएगी। और दोस्तों जैसा कि आपको पता है हम ऑल इंडिया की रिक्वायरमेंट लेके आ रहे हैं, तो हमारी ऑल इंडिया रिक्वायरमेंट का मतलब ये है कि आप भारत में किसी भी जगह से वीडियो देख रहे हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस स्टेट से आप वीडियो देख रहे हो, किस डिस्ट्रिक्ट से मतलब किस ज़िले से आप वीडियो देख रहे हो कि आपको वहाँ की गाड़ी चाहिए। अभी तो मैं जयपुर सिटी के बना रहा हूँ, इसमें भी आपको जैसे भीलवाड़ा अलवरी की बाइक आपके यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है, तो आप मुझे बताइए कि आपको किस स्टेट की किस डिस्ट्रिक्ट की बाइक चाहिए, वही वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा, उसी बाइक आपके लिए लेके आऊँगा। और कौन सी बाइक चाहिए उसको भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं आपके लिए वही बाइक के वीडियो लेके आऊँ। तो दोस्तों अभी इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाऊँगा, इस वीडियो को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और घंटे के आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाले ऐसे ही वीडियो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले और सबसे जल्दी पहुँच जाए। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में एक और नई सेकेंड हैंड बाइक के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहे, सलामत रहे, जय हिंद जय भारत। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाए दोस्तों।